सखी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं यहाँ पर कितना संकट है? दादा भाई क्योंकि संकटों से सिर्फ आप ही खेलेंगे दादा भाई, वैसे भी उम्र में मैं आपसे कुछ ज्यादा छोटा नहीं हूँ। जो आप कर सकते हैं वो मैं आपसे भी बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। देखिए आ गया ना यहाँ तक। अच्छा ठीक है, आप कैरियर तोड़िए, हम नजर रखते हैं। नहीं कैरियर आप ही तोड़िए, हम यहाँ पर किसी और कार्य से आए। ऐसा अवसर हमेशा नहीं आता दादा भाई, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इनमें से एक पर तो वार कर ही जाऊं। हम इनके हाथों पकड़े जाएंगे भाई शक्ति, हम आपसे कह रहे हैं आप ऐसा मत करिएगा। कोई है वहां पर? चलो मेरे साथ। ये तो उदय सिंह के लड़के हैं। छावनी में घुसपैठ। पकड़ो इन्हें। पकड़ो इनको। छावनी में आ गए, कोई पकड़ो, भागना ना पाए, पकड़ो। भुना हुआ गोश्त खाने में मजा आ रहा। अरे भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया। उदय सिंह के बेटों ने हमारी छावनी में घुसपैठ ही नहीं की, हमारी छावनी में घुस के हमारे सिपाहियों पे हमला करके उन्हें चोट भी पहुंचा दी। अब आएगा मजा। हुजूर का हुक्म हो तो उन दोनों को इस गुस्ताखी के लिए अभी के अभी मौत के घाट उतर दे जाए। इनायत नहीं है, तलवार म्यान में डाल दो। चलो। अरे भाई हमें भी तो हालात का मजा लेने दिया करो। अरे सेनापति है तुम्हारे, कितने मुश्किल से मजा लेने का मौका हाथ आया और इसे हाथ से यूं ही निकल जाने दे। कब से
कब से इंतजार कर रहे थे उदय सिंह की एक बड़ी गलती का, और गलती हो गई। उदय सिंह, गलती तो हो गई। अब आएगा मजा। मांगी, नया वाला कालीन यहाँ बिछाइए। देवकी, फूलों के हार गुद गए ना, और हीरा, इत्र का छिड़काव शीघ्र होना चाहिए। जीजा, आप निश्चिंत हो जाइए, हम सारा काम करवा लेंगे। जाओ जरा दो चार टोकरियां गुलाब के ले आना। हाय राम, ये कैसा सुरमा दे दिया हमें, आंसू बह गए गंगा जमुना जैसे। रानी साहब, आप इससे पोछ लीजिए। ऐसे कैसे पोछ ले? या तो हमें नया अच्छा वाला सुरमा ला के दो, वरना इस रुलाने वाले सुरमे से ही काम चलाना पड़ेगा। और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? और ये क्या तुम्हारे पास, केवड़े का इत्र? जी रानी साहब। तो कब छिड़कोगी? तब जब राणा जी आके बिना हमें देखे चले जाएंगे तब। और सुनो, छिड़को। हाय, अरे अरे, यहाँ नहीं, वहाँ राणा जी के शैया के पास रखिए। पता नहीं आपको, राणा जी विश्राम करते समय इन सफेद उज्जवल पुष्पों को अपने सिरहाने देखना पसंद करते हैं। रानी साहब, मुझे फूल भटियानी रानी ने यहाँ पर लगाने के लिए कहा था। दासी, जीजा यहाँ की महारानी है, हमारे राजा की पटरानी। जब वो कोई आज्ञा दे तो बिना सवाल या जवाब उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। क्षमा कीजिए रानी साहब। जाइए जीजा, दासी की उद्दंडता के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। जीजा, हम चाहे जितना भी प्रयास कर ले, पर सच बात तो ये है कि राणा जी का अगर मेवाड़ के बाद किसी के दिल धड़कता है तो वो है रानी भटियानी। आप देखिए ना, सुबह से लगे हैं हम श्रृंगार में, लाली भी लगाया है, सुरमा भी लगाया है, कलेवा भी नहीं किया ढंग से श्रृंगार के लिए। पर हमें पता है बैना, आप पर नजर पड़ने के बाद हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं राणा जी। रानी माता, क्या हुआ प्रताप? माता, वो हम छोटी मासा के लिए कैरिया लाने छावनी वाली तराई गए थे। छावनी वाली तराई? बेना, इन्हें अपनी बात तो पूरी करने दे। बताइए प्रताप, क्या हुआ? फिर हमारे पास जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमें शम्स खान के सैनिकों से उलझना पड़ा, और आत्मरक्षा के लिए हमें उन पर हाथ उठाना पड़ा। प्रताप, आपने ये सही नहीं किया। आपके इस अपराध का मेवाड़ को भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है। हे कुलदेवी बाण माता, हे एकलिंगी, प्रताप की इस गलती का किसी को भी मूल्य ना चुकाना पड़े। केवल कैरियर लाने ही गए थे वहाँ, लेकिन भाई शक्ति को बचाने के लिए हमें उन अपराधों से लड़ाई करनी पड़ी। एक तो हम कुंवर शक्ति को कितना भी समझा दें, लेकिन कुंवर प्रताप के साथ शामिल होते वो भी जोश में आ जाते हैं। प्रताप, आपने गलती की है, आपको इसका मूल्य तो चुकाना पड़ेगा। गलती कैसी माता? ये हमारा चित्तौड़ है, ये हमारी मातृभूमि है, फिर क्यों इसके पेड़ पौधे फूल और फलों पर हमारा कोई अधिकार नहीं? क्योंकि हम पराधीन हैं। क्यों? अपने ही धरती पर हम कैसे पराधीन हो सकते हैं माता? शीघ्र ही आपको पराधीनता का अर्थ और उसके कारण दोनों समझ में आएंगे। जीजा, ये सब हमारी गलती है। हमारे मुँह से कुंवर प्रताप ने सुना था कि कैरिया छावनी वाले आम के पेड़ में आई है। जीजा, पता नहीं राणा जी हमें क्या दंड देंगे। नहीं जीजा, गलती हमारी है। अगर हम कैरियां खाने की इच्छा ना जताते तो कुंवर प्रताप ये नहीं करते। गलती कुंवर प्रताप की है, बड़े कुंवर होने के नाते इनमें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि जब राणा जी ने आदेश दे दिया था कि छावनी की तरफ कोई नहीं जाएगा, तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन
प्रताप के लिए भी अपराधी माना जाएगा। राणा जी को कोई कुछ नहीं कहेगा। राणा उदय सिंह की जय। 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 कुंवर प्रताप, आप मत घबराइए, उचित समय आने पर हम राणा जी से खुद बात करेंगे। भटियाणी जी, अगर हम बच्चों के अपराध छुपाएंगे तो यही प्रेम शत्रुओं से अधिक उनको नुकसान पहुंचाएगा। कुंवर प्रताप, आप जो भी करें उसका परिणाम सहन करने का भी साहस रखें, यही सच्चे क्षत्रिय की पहचान है। महारानी साहब, मेवाड़नाथ महल के द्वार तक पहुंचने ही वाले हैं। जी जा, हमारी एक विनती है आपसे, राणा जी से कुछ मत कहिए। भटियाणी जी, हमारा पत्नी धर्म हमें राणा जी से कुछ भी छुपाने की आज्ञा नहीं देता। कुंवर प्रताप ने अपराध किया है, इसलिए इसके दंड के वो भागी हैं। मासा, राजीराज का जो भी निर्णय होगा वो हमारे लिए पत्थर की लकीर होगा। कुंवर प्रताप, जब तक हम नहीं गए आपसे, आप राणा जी के सामने नहीं आएंगे। पर मासा, परिवार कुछ नहीं, आपको हमारी सौगंध। ठीक है छोटी मासा, हम आपकी आज्ञा के बिना नहीं आएंगे दाजी राज के सामने। मेवाड़नाथ महल में पधार गए हैं। चलिए राणा जी, विधिवत भोजन करके अपना व्रत खोल दे, आइए। कुलदेवी बाण माता और बाणनाथ जी के प्रसाद के लड्डू से अपना व्रत खोले। कुलदेवी का प्रसाद तो मेवाड़ की राजमाता के हाथ में लिया जाता है। कीजिए। अब कुछ चटपटा हमारे हाथ से ले लीजिए राणा जी। जी। हुकुम, कुछ मीठा हमारे हाथों से। पटियानी जी, आपकी तो हर बात मीठी, आपके पाँव के पाजेब की रुनझुन मीठी, फिर आपके हाथ में जो भी खाने को मिलेगा वो भला मीठा कैसे ना हो। हुकुम, भोजन प्रारंभ करें। अवश्य। कुंवर प्रताप कहाँ है? वो हमें लेवाने महल के द्वार तक नहीं आए। प्रणाम स्वीकार कीजिए राजीराज, हम वचन बाध हैं, वरना आपके चरण स्पर्श करने अभी आ जाते। आ जाएंगे कुंवर प्रताप, हम सब जानते हैं कि इस क्षण के लिए कुंवर प्रताप ने 41 दिन कैसी प्रतीक्षा की है। आप भोजन तो शुरू कीजिए। हाँ हाँ, पहले अपना व्रत खोलिए राणा जी। महारानी जयंता बाई जी, आपके चेहरे पर हमें चिंता के बादल दिखाई दे रहे, क्या बात है, सब कुशल तो है?
हुकुम। बिना भोजन किए एक राजा ना अच्छा सोच सकता है, ना ठीक से शासन कर सकता है और ना ही शत्रु से युद्ध कर सकता है। इसलिए हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भोजन शुरू करें और अपना व्रत खोलें। प्रताप की गलती की सूचना राणा जी को भोजन के बाद ही दूंगी। महाराज की जय हो। अफगान सेनापति शम्स खान अपने सैनिकों के साथ दरबार में आए हैं और आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। हुकुम, अन्न देवता का आवाहन करने के बाद बिना कुछ ग्रहण किए उठ जाना ठीक नहीं है हुकुम। हाँ राणा जी, भोजन संपन्न करके जाइए। ये जानने के बाद कि शम्स खान के पांव हमारे महल में पड़ चुके हैं, अन्न का एक दाना लेना भी हमारे लिए पाप है। अम्मा गणी महाराज, महाराजा धीराज, आप ही का महल है, आपकी ही गद्दी है, आपका स्वागत है, चले आइए। असमय दरबार में आने का कारण जान सकता हूं शम्स खान? लाहौल बिला कुवत, उदय सिंह, न दुआ न सलाह, सीधे मुद्दे पर। हमें पता है कि हमारा बेखौफ दरबार में आना आपको अच्छा नहीं लग रहा। हमें पता है कि हमें देखते ही आपको वो याद आ जाता है जो आप भूलना चाहते हैं। हमें पता है, हमें देखते ही आपको याद आ जाता है हथियार डालना। हमें पता है कि आपको हमें देखते ही याद आ जाता है कि शेरशाह सूरी के इंतकाल के बाद भी हमारे रहमो करम पे ही आप राजा हैं। हमें पता है आपको हमें यहां देखकर मजा नहीं आ रहा है। समय आने का कारण जान सकता हूं शम्स खान? कारण, वजह, वजह है, वजह है, वजह है। हमारी आपसी दोस्ती का जो करारनामा था, आपके मौतमिदे खास ने उस करारनामे की शर्तों को तोड़ा है। उन्होंने हमारी छावनी में घुस के हमारे दो सिपाहियों पे हमला किया। शम्स खान, ये असंभव है। संभव है, लेकिन क्या करें, वरना इस तरह की हरकतों को हम आपकी तरफ से अपने खिलाफ खुला जंग का ऐलान समझ सकते थे। और सुन ले, आप लोग की बड़ी बड़ी जंगें ऐसी छोटी मोटी भड़काऊ हरकतों की आड़ में शुरू हो जाती है। महाराज, जिसने भी ये दुस्साहस किया है उसे दंड अवश्य मिलेगा। विश्वास कीजिए, हमारा ये अपराध हमारी जानकारी के बगैर हुआ है। वैसे हमने अपनी प्रजा को आदेश दिया है कि कोई भी छावनी वाले क्षेत्र में नहीं जाएगा। फिर भी आपके महल से कोई चोरी छुपे हमारी छावनी में दाखिल हुआ है, तो फिर वो जो हमारी छावनी में घुसा है, सजा देने से पहले आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो कौन है? उससे कोई अंतर नहीं पड़ता शम्स खान। राणा उदय सिंह के आदेश को मानना सभी के लिए आवश्यक है।
फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना। आपके इस इंसाफ की बड़ी बड़ी खुशी है हमें। जो भी होगा उसे दंड अवश्य दिया जाएगा। आपसे इसी इंसाफ की उम्मीद लेकर हम आए थे आपके पास, इसीलिए कसूरवार को हमने जिंदा छोड़ दिया है। अब आप बिना समय नष्ट किए ये बताएंगे कि आप किसकी शिकायत लेकर दरबार में आए हैं? चलो बता देते हैं, वो जो हमारी छावनी में घुसे थे और जिन्होंने हमारे दो सिपाहियों पे हाथ उठाया, वो थे आपके दोनों बड़े बेटे। कुंवर प्रताप और कुंवर शक्ति को दरबार में लाया जाए अभी।